दोस्तों, बकरी पालन में अगर सफल होना है तो अच्छी बकरी का चयन आपको करना ही पड़ेगा, साथ ही अच्छे ब्रीडर का भी आपको चुनाव करना पड़ेगा। अभी मैं हूँ SRK गोट फार्म देवरिया उत्तर प्रदेश में, और वीडियो इससे पहले आया था, लगभग 100 मदर गोट यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है ब्रीडर भी यहाँ पर होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ब्रीडर हैं, बड़बड़ी नस्ल के हैं और कुछ अलग अन्य नस्ल के भी यहाँ पर हैं। इससे पहले एक वीडियो आया था दोस्त कि इस फार्म में बकरी का जो क्वालिटी है, किस तरह के मदर गोट की क्वालिटी इनके पास है, वो भी दिखाया गया था। तो अब बारी है ब्रीडर की कि किस क्वालिटी का इनके पास ब्रीडर है और क्यों इनके यहाँ बढ़िया बच्चे आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है अच्छी क्वालिटी का इनके पास ब्रीडर का होना। तो आपको ब्रीडर की क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ताकि आपको जानकारी मिल सके कि वाकई इस तरह का अगर ब्रीडर का चुनाव हम करेंगे तो बकरी फार्म में अच्छे खासे हम मुनाफा कर सकते हैं या तो फिर अच्छे खासे उससे बच्चे आ सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। पुनः स्वागत है सलाउद्दीन भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जी सर, आपका भी स्वागत है सर। आपके पास तो 100 मदर गोट है, तो उसको संभालने के लिए बहुत सारे ब्रीडर भी आपके पास है, तो ब्रीडर के बारे में भी आप कुछ बताइए कि किस क्वालिटी का आपके पास ब्रीडर हो और ब्रीडर का चुनाव बेहतर हो क्यों जरूरी है ये। सर देखिए, ब्रीडर पहले टाइम में कहा जाता था कि ब्रीडर और बकरिया दोनों का 50-50 रोल होता है, लेकिन बाद में 90 या 70 के बाद से साइंटिस्टों ने ये साबित किया कि ब्रीडर का रोल 90% होता है। ब्रीडर आपका होना चाहिए सबसे मतलब अच्छा और अच्छे हिस्ट्री वाला, कि उसकी माँ कैसी है, उसका बाप कैसा था, क्या दूध था, उसका रिजल्ट कैसा है। एक बच्चे को सीधे नहीं आप साबित कर सकते कि ब्रीडर है, उसका एक दो रिजल्ट लीजिए, देखिए कैसा ब्रीडर है, तब पता चलता है। और ब्रीडर आपका मैच्योर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटे उम्र में कराना शुरू कर दे। ब्रीडर मैच्योर होना चाहिए, प्लस उसका जो बॉडी फ्रेम है वो कैसा होना चाहिए। जैसे आप हमारे ब्रीडर को देख लीजिए, यहाँ पर हमारा ब्रीडर है, ये लोग बोलते हैं यहाँ का है, वहाँ का है, CIRG और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जो ओरिजिनल ब्लड लाइन होना चाहिए कि बर्बरी क्या होता है, वो आपके इसके फ्रेम से दिखा कि ये ब्रीडर, ये हमारा पुराना ब्रीडर है। और ज़्यादा ब्रीडर रखने का फ़ायदा ये होता है कि आप कभी इन ब्रीडिंग का शिकार नहीं होंगे। इन ब्रीडिंग आपके फार्म को खा जाता है, तो इन ब्रीडिंग से बचने के लिए आपको दो ब्रीडर की ज़रूरत है। आप 3 ब्रीडर रखिए, 4 ब्रीडर रखिए, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है उसका। लेकिन ब्रीडर अगर ज़्यादा रखेंगे, अच्छे मतलब अच्छे गुणवत्ता वाले ब्रीडर रखेंगे, तो अलग अलग तरह की वैरायटी क्वालिटी आपके पास आएगी, अच्छे से अच्छे बकरियाँ आएंगी। और उसमें अभी आपको पता चलेगा कि किसका रिजल्ट सबसे अच्छा है, उसको और अच्छे से प्रमोट कीजिए। लेकिन ब्रीडर का समझ लीजिए 90% रोल है, और ब्रीडर अच्छा एकदम होना चाहिए। बकरी थोड़ी डाउन अगर है तो चल जाएगी, लेकिन अगर ब्रीडर है तो उसको भी इम्प्रूव कर देगा। और मतलब टोटल दारू मदार समझिए फार्म का ब्रीडर पे, अच्छा ब्रीडर लीजिए। अच्छा, बच्चे जो आते हैं, मेमने जो आते हैं, तो 80% गुण बाप का लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से तो ब्रीडर तो बढ़िया होना ही चाहिए। फिलहाल अभी इस ब्रीडर की बात हम करेंगे, तो ये ब्रीडर आपका लगभग कम्प्लीट दांत हो चुका है इसका? ये पूरे दांत पे ये ब्रीडर है हमारे यहाँ, समझ लीजिए इसके पहले इसका बाप भी था, हमारा टोटल इसका ही ब्लड लाइन चल रहा है। कितने बच्चों का ये बाप बन चुका होगा? ये तो मान के चलिए ज्यादा ही बच्चा, कम से कम मान के चलिए 500 बच्चे का बाप बन चुका है। 500 बच्चे का बाप ये बन चुका होगा? जी बिल्कुल, ज्यादा ही बन चुका होगा इसका। उसका देखना पड़ेगा, हिस्ट्री रजिस्टर देखना पड़ेगा कितने बच्चों का बाप बन चुका है। और इसके बच्चों का इतनी डिमांड है, इसको देख के, इसका नाम धर्मेंद्र है। अच्छा, ये धर्मेंद्र है? हाँ धर्मेंद्र है, इसका मतलब काम भी वैसा ही है। तो इसके बच्चों का ऐसा डिमांड है कि लोग इसका नाम रख के बोलते हैं कि इसका ही बच्चा चाहिए। अब इसका बच्चा देखिए, मैं 1 साल का बच्चा आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए इसका बच्चा है, धर्मेंद्र का बच्चा है? धर्मेंद्र का बच्चा है, 1 साल का बच्चा। सनी देओल? हाँ सनी देओल है ये। देखिए इसका बच्चा देखिए कितना, 1 साल का बच्चा है। देखिए दांत चेक कर लिया, विश्वास नहीं होगा दोस्त ये कदकाठी देखकर कि ये 1 साल का बच्चा है। चेक कीजिए, दो दांत का बच्चा है, दांत देख लीजिए, दो दांत का बच्चा है और 1 साल का है, 12 महीने का बच्चा है। लेकिन इसका वजन देखिए 40 kg प्लस है, प्लस इसका हाइट देखिए, इसका सींग देखिए, इसका फ्रेम देखिए, इसका सीना देखिए, इसका छाल देखिए, 1 सेकंड से आप यहाँ देखिए, इसका सीना देखिए, छाती देखिए, ब्रीडर की पहचान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लड लाइन हमारे यहाँ चल रहा है। और पैर भी काफ़ी मोटा मोटा, पैर देखिए, हर चीज़ मतलब देखना, फ्रेम देखना होता टोटल। ये चल रहा है हमारे यहाँ ब्रीडर लाइन, ऐसे कम से कम सैकड़ों ब्रीडर मैं बेचा हूँ, यहाँ से सेल किया हूँ, जो लोग बहुत ही संतुष्ट हैं, उनके फार्म में रौनक लगा हुआ है। सलाउद्दीन भाई, जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो शुरू में ही हमने भी बताया, आप भी इस बात से अवगत होंगे कि अच्छा ब्रीडर अगर आपके पास हो तो फार्मिंग आपकी बेहतर होगी, अच्छा रिजल्ट आएगा, तो अच्छा मुनाफा भी आपको होगा। तो एक पैमाना क्या होना चाहिए ब्रीडर का? कोई कहता है कि हम छोटे बच्चे से लेकर के उसको बड़ा करेंगे, या कोई कहता है भाई कि नहीं बिल्कुल मैच्योर रहेगा तो फिर बच्चे भी मैच्योर अच्छे आएंगे, तो क्या होना चाहिए पैमाना, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। पैमाना ये होना चाहिए सर कि ब्रीडर, हर बकरे को ब्रीडर नहीं बनाया जा सकता है,
उसका जो एक्सपर्ट लोग है उसको बचपन से उसके हुलिया से उसके रंग ढंग से प्लस उसके काम भाव से लोग पहचानते कि ये ब्रीडर लगा अग्रेसिव होना चाहिए ब्रीडर बचपन से। कुछ ब्रीडर होते हैं खस्सी बकरे होते हैं वो थोड़ा शांत स्वभाव होते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, तो उनको सेलेक्ट करना होता है। और मेन चीज़ जेनेटिक्स पे, अगर जेनेटिक्स अच्छा है उनके माँ बाप अच्छे हैं बाप मेनली जो अच्छा है तो समझिए बच्चे 80% अच्छे ही आएंगे। तो इसके ब्रीडर का इतना डिमांड रहता है, ये जो ब्लड लाइन है हमारा ये बहुत ही सक्सेसफुल ब्लड लाइन है। कोई ऐसा भी होता है ना कि खान पान अगर बेहतर ना हो बढ़िया तरीके से रख रखाव ब्रीडर का ना हो तो फिर वो अग्रेसिव नहीं होता है या जी। तो इस पर कुछ बताइए कि कैसे उसको अग्रेसिव रखा जाए। अग्रेसिव रखने के लिए देखिए पहले तो उसको पाला जाता है जिस दिन वो माँ के पेट में पहले दिन से उसको पाला जाता है, 5 महीने माँ के पेट में रहता है तो पहले दिन से उसको पाला जाता है उस टाइप का हिसाब से उसका पहले फीड दिया जाता है कि पहले दिन से ही वो माँ के पेट में अच्छे से वो हो प्लस माँ वैसी दूध वाली हो कि उसको मतलब 3 महीने में बना दे एकदम 3 महीने में ही दिखने लगेगा वो ब्रीडर, 3 महीने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूध मिलेगा प्लस आगे का खुराक जो बैलेंस फीड होता है उसमें आप कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा लो करके इनको और अच्छा मतलब ब्रीडर बना सकते हैं। चर्बीदार इसको ज़्यादा नहीं देना। जी बिल्कुल चर्बीदार इसको नहीं बनाना है। नहीं भाई हैवी वेट ब्रीड का भी नहीं बनाना है या हैवी वेट बकरियां भी नहीं बनाना होता है, हैवी वेट बकरे भी नहीं बनाना होता है। अगर ब्रीडिंग पर्पज से आप काम कर रहे तो क्वालिटी और नस्ल जो है वो रीजनल होना चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, फ्रेम अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ गुड़ अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये जो सोच रहे कि बहुत भारी ब्रीडर हो जाएगा तो अच्छा काम करेगा ऐसा कुछ नहीं, भारी ब्रीडर का रिजल्ट खराब भी होता है। तो कितने दिन के बाद ब्रीडर का इस्तेमाल करना चाहिए, मान लीजिए जो 5 महीने 6 महीने का बच्चा ले आया अच्छा कद काठी का है स्वभाव उसका बढ़िया है अग्रेसिव है तो कितने दिन में वो मेटिंग करना शुरू कर सकता है या कितने दिन के बाद उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी देखिए उसको तो स्टार्टिंग में 1 साल से पहले भी 1-2 बार मतलब ट्राई कराया जाता है, इससे क्या होता है वो थोड़ा अग्रेसिव होते हैं है ना, होने के लिए थोड़ा सा एक बार ट्राई कराया जाता है। लेकिन देखिए रेगुलर बेसिस पर अगर आपको कराना है तो बर्बरी को मिनिमम 2 दांत उसके बाद 4 दांत से ही स्टार्ट करना चाहिए, 4 दांत के बाद वो परिपक्व होता है। 4 दांत के बाद परिपक्व हो जाता मतलब 18 महीने के बाद ही बर्बरी से क्रॉस कराना चाहिए। कितने दिन तक उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है? इस्तेमाल देखिए 5 साल तक तो अच्छे से काम करता है ना, ब्रीडर तो 7 साल तक भी काम करता है लेकिन 5 साल तक ये बोला जाता है कि कमर्शियल लेवल पर काम कर रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए कि मतलब उसमें कोई त्रुटि ना हो, कहीं से ये कमी ना हो कि ब्रीडर वैसे आपका कुछ गलती हो जाए नुकसान हो जाए, तो इसलिए 5 साल तक उसको यूज कीजिए, बाकी उसके बाद से उसका अपना जो अलग मीट का पर्पज है जो भी है उसको कर दीजिए। ब्रीडर तो जब बूढ़ा हो जाएगा तो फिर मीट पर्पज में उसमें तो गंध आ जाता है सलाउद्दीन भाई? नहीं बिल्कुल गंध नहीं आता, वो जो गाँव में ब्रीडर घूमता है उसमें गंध आता है, ये जो आपके फार्म पर ब्रीडर रहेगा वो खस्सी की तरह साफ सुथरा रहता है। अच्छा हाँ, उसको अलग रखना पड़ता है बकरियों से, अलग रखिए ब्रीडर को, कभी बकरी साथ मत रखिए, उसको अलग रखिए और उसके बाद से अलग देख रेख कीजिए, उसको अलग खाना पीना दीजिए, उससे और अच्छा अग्रेसिव रहेगा। सलाउद्दीन भाई आपने अभी बताया हमारे दर्शकों को कि ब्रीडर को अलग रखना चाहिए बकरियों से दूर रखना चाहिए, तो इसकी क्या वजह है इसके क्या लाभ है? उसका लाभ ये है सर कि बकरी से अलग रहेगा तो एक तो क्या है कि वो थोड़ा मतलब बकरियों से मिला जुला नहीं रहेगा, वो बकरियों को ज़्यादा साथ में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा वो थोड़ा गर्म रहेगा, वो अग्रेसिव रहेगा तो अच्छा परफॉर्म भी करेगा। अब साथ में रहेगा बकरियों के साथ बैठा रहेगा तो उसका वो जो लगाव होता है अट्रैक्शन वो कम हो जाता है, कम इसलिए हो जाता है कि उसके पास हमेशा बकरियाँ रहती है, हमेशा अपने आप को ट्राई करते रहेगा और दूर रहेगा तो ट्राई नहीं करेगा तो अपने आप को थोड़ा सेव करके रखता है। इसमें एक और सवाल निकल कर आ रहा है कि एक बकरा है जो आपके पास है तो एक दिन में कितने बार ये मेटिंग कर सकता है? बर्बरी का देखिए कितने बार इसको मेटिंग करवाया जा सकता है? तो ये कितना बार करेगा जब तक बकरी रहेगी सामने हीट में रहेगी, कितना बकरी को बतलाएगी ये कोशिश तो करेगा, ऐसा नहीं है कि बैठ जाएगा, लेकिन जो अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप एक दिन में 5 बकरी से ज़्यादा मत कराइए। 5 बकरी? जी 5 बकरी। फिर अगला दिन भी करवा सकते हैं? अगला बिल्कुल करवा सकते हैं, एक उसका ब्रीडिंग जो सीजन होता है ब्रीडिंग टाइम होता है उसमें थोड़ा इसको इसका डाइट थोड़ा अच्छा कर दीजिए। अच्छा, इसके लिए एक्स्ट्रा डाइट देने की जरूरत पड़ती है? प्रोटीन फुल डाइट दीजिए इसको ब्रीडिंग टाइम पे, प्रोटीन फुल डाइट दीजिए और थोड़ा एक्सेस बढ़ा दीजिए थोड़ा सा डाइट इसका, उसके बाद से रात भर रेस्ट करेगा फिर अगले दिन 5 बकरी के लिए सफिशियंट रहेगा ये। तो यहाँ पर सलाउद्दीन भाई कुछ छोटे छोटे मेमने भी हैं जो ब्रीडर बनने की राह पर चल निकले हैं तो इसके विषय में कुछ बताइए, ये सब धर्मेंद्र के बेटा है या सनी देओल का बेटा है? नहीं देखिए ये धर्मेंद्र के ही बेटे हैं और परपोते हैं। हाँ परपोते हैं मतलब नहीं इसी के बच्चे हैं। अच्छा। इसी के बच्चे हैं, परपोते नहीं हैं, इसी के बच्चे हैं, डायरेक्ट इसके ही बच्चे हैं ये। और ब्रीडर हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं मतलब हर एज के ब्रीडर आपको दिखेंगे, लेकिन हम लोग 8 महीने के बाद ही सेल करते थोड़ा अच्छा हो जाता है तो वैक्सीनेशन हो जाता है। अगला भी जब देखेगा तो उनको भी समझ में आएगा कि भाई हाँ वाकई ये हम अपने फार्म पर लेकर जाएंगे तो इससे काम कर सकते हैं, काम निकाल सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उसमें भी जो ब्रीडर के लायक होता है उसी को सेलेक्ट किया जाता है कि ये बढ़िया कर देते हैं, बाकी को बढ़िया कर दिया जाता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। और हमारे पास 2-3 ब्लड लाइन है, देखिए एक यहाँ पे है ब्लड लाइन
ये जितेंद्र इसको बोला जाता है, इसको ये जितेंद्र, हाँ जितेंद्र है, इसका नाम रखा गया। देखिए प्यार से दुलार से आदमी नाम रखता है कि हाँ ये दो लाइन हमारे पास चल रही है धर्मेंद्र की और जितेंद्र की, तो इससे हमारे अलग अलग मतलब इनब्रीडिंग का चांस है ही नहीं हमारे फार्म पे। तो ये कितने बच्चों का बाप बन चुका है? ये भी मान लीजिए उससे थोड़ा उम्र में छोटा है ये, तो ये भी मान लीजिए ज़्यादातर बच्चों, मैं रजिस्टर देख के बता दूंगा आपको, लेकिन मान के चले 200-300 से ज़्यादा ही बच्चों का बाप बन चुका है। दोस्तों आपने सुना सलाउद्दीन भाई ने कंप्लीट जानकारी दी ब्रीडर के संबंध में कि किस तरह के ब्रीडर का आपको चयन करना है और सही ब्रीडर और बेहतर ब्रीडर अगर आप अपने फार्म में लेकर जाते हैं तो किस तरह से आपको मुनाफा हो सकता है और क्यों बेहतर ब्रीडर का चयन करना चाहिए, सारी जानकारी दोस्त आज के वीडियो में दी गई है। ब्रीडर देखिए सर, ब्रीडर का क्या है, ब्रीडर कभी भी ट्रेडर या किसी मार्केट से मत लीजिए, क्योंकि कोई भी अपने ब्रीडर को कुछ परेशानी होगा या उसमें कुछ कमी है तभी लेकर ट्रेडर को दे रहा है या मार्केट में दे रहा है। ब्रीडर कभी भी आपको गोट फार्म से ही लेना है, अच्छे गोट फार्म से जहाँ पे पता है कि उसके एक दो पीढ़ियाँ दिख रही हैं और हिस्ट्री कैसा है, हिस्ट्री कैसा है तभी उससे लीजिए, उससे क्या है आपको पता रहेगा, निश्चिंत होकर फार्मिंग करेंगे और उसका रिजल्ट भी बिल्कुल गारंटी है कि अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमारे दर्शकों को मिली। तो दोस्तों आपने सुना ब्रीडर के ऊपर जो आज की वीडियो में जानकारी दी गई है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ जानकारी अगर चाहिए सलाउद्दीन सर से या इनसे कुछ सलाह मशवरा आपको लेना है तो सर का नंबर स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा। हर महीने 21-22-23 तारीख को प्रशिक्षण भी होता है, अच्छा, हर महीने, और हमारे यहाँ लगभग वो समझ लीजिए जो जुड़ा होता है वो लाइफ टाइम का ही होता है, जब तक आदमी सीख ना जाए तब तक हम लोग सिखाते हैं, और 2-3 दिन यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं, उनको सिखाते हैं जो बेसिक चीज़ जो हम करते हैं वही करने को सिखाते हैं, कि हमारे यहाँ जो है आप देखिए हम कैसे करते हैं वही आपको करने को सिखाते हैं, और उसके बाद से आगे भी ऐसा नहीं है कि 3 दिन के बाद हम छोड़ देते, हम खुद लगे रहते हैं उनके साथ, वो भी हमसे जुड़े रहते हैं, हम आगे उनको जब तक वो सीख रहे हैं तब तक सिखाते हैं, हमारे कोई लिमिट नहीं है कि हम 2-3 दिन की ट्रेनिंग है उसके बाद से आपसे मतलब नहीं, आगे हम आपको आगे भी सिखाते रहते हैं, और मतलब उनको किस तरह कामयाब बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये SR के गोट फार्म जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है, इसका कंप्लीट एड्रेस एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। कंप्लीट एड्रेस सर देवरिया स्टेशन पे आइए, देवरिया स्टेशन से आपको 20 किलोमीटर तरकुलवा थाना है, तरकुलवा थाने से 6 किलोमीटर पूरब के साइड में हमारा गोट फार्म है, ऑन रोड है, आने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप आइए और यहाँ से प्रशिक्षण लीजिए, प्रशिक्षण लेकर के आपको खुद ही एहसास होगा कि हाँ बाकी जो ट्रेनर हैं या प्रशिक्षण उनसे क्या अंतर है हमारे पास। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।